नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। देश में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, उसी तरह वेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि फिट निवेश का हिट फॉर्मूला क्या है, कैसे आप हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज खास मेहमान, लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर सत्यम कुमार। सत्यम, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार सत्यम। से इस चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के शो में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे सफल पोर्टफोलियो का क्या है फिटनेस प्लान, निवेश और खर्च में कैसे बनाएं संतुलन, खर्च के साथ साथ कर्ज को मैनेज कैसे करें, फेस्टिव सीजन के लिए अर्ली प्लानिंग कैसे की जाए, फेस्टिव सीजन में फिजूल खर्ची से कैसे बचें। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं सत्यम। जब हम कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए फिटनेस की जरूरत होती है, वैसे ही आर्थिक जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए एक फिट पोर्टफोलियो, फिट निवेश की जरूरत होती है। आप इस जरूरत को कितना अहम मानते हैं? जी एक्चुअली अगर देखें तो फिट रहना, आर्थिक फिटनेस जो है पार्ट हमारे फिट रहने के ही है। सो अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस, शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और फाइनेंशियली फिट रहना मानसिक फिटनेस का एक अंग है। तो आपको, आप फाइनेंशियल फिटनेस को फिटनेस से अलग नहीं, मतलब फिजिकल फिटनेस से अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मानसिक फिटनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए हमेशा आप शुरुआत बहुत जल्दी करनी चाहिए, जैसे कि हर एक फिजिकल फिटनेस में होती है, वैसे आर्थिक फिटनेस के लिए भी हमको शुरुआत काफ़ी जल्दी कर लेनी चाहिए। नौकरी होने के बाद तुरंत शुरू कर देना चाहिए ये सारी फिटनेस की, मतलब फाइनेंशियल फिटनेस या फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ओवरऑल फिटनेस को लेकर के। सॉरी, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा आप एब्सोल्युटली सत्यम आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस बेहद जरूरी है हमारे वेल्थ को और भी ज्यादा तंदुरुस्त बनाने के लिए। जैसा कि आप सब लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान देते होंगे अपनी लाइफ को आगे और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए। तो क्योंकि हम बात करें फिट निवेश के हिट फॉर्मूले के बारे में, हम 5 फॉर्मूले लेकर आए हैं। और सत्यम, हम चाहते हैं कि एक एक करके आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कौन से 5 फॉर्मूले हो सकते हैं। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, इनफैक्ट यहाँ पर उसका जिक्र किया। फाइनेंशियल प्लानिंग होता ही है सार कि हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी आर्थिक जिंदगी कैसे आगे बिताते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर हम फिटनेस प्लानिंग से जोड़कर देखें तो बेस क्या रहना चाहिए किसी की भी आर्थिक फिटनेस का? शुरुआत तो बहुत ही अर्ली करनी चाहिए हमको, जैसे हमारी इनकम जैसे शुरू होती है उसी समय हमको इसके बारे में सोचना और प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है तो ये कभी भी लेट नहीं है, आज भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे निवेश को लेकर के आप इसमें शुरू कर सकते हैं। सो जैसे ही कमाई शुरू हुई, इसको लेकर के हमको आगे काम करना शुरू कर देना चाहिए। छोटे छोटे निवेश, छोटे छोटे खर्चों का हिसाब किताब, ये सारी हमको देखनी चाहिए। और हमारे जो खर्चे करने का जो टिपिकल जो तरीका है, उसको हमको हमेशा एक फिक्स रूल के हिसाब से ही चलना चाहिए, जिसमें से कि 15-20% हमको हमेशा सेव करना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस, और तकरीबन 50% जो है हमारा जो नियमित खर्चों के लिए जाएगा, और 30% जो है हमारा जो है वो जानी चाहिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो बोलते हैं, जो कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस वगैरह के लिए हमारा रहना चाहिए। तो अगर हम सुनहरे भविष्य की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल सेविंग्स हमको शुरू में शुरू करनी चाहिए, तो एक्चुअली वो तभी शुरू करनी चाहिए जब पहली आमदनी शुरू होती है। जैसे नौकरी शुरू हुई तो सेविंग्स शुरू हो जानी चाहिए उसके साथ साथ, और सेविंग्स भी मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग बकेट्स में करके करना चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो एक प्लान्ड अप्रोच होना चाहिए इसको लेकर के, और इसमें इन्वॉल्व और इंगेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी चीज़ में एक इन्वेस्ट करके छोड़ दिया या भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमको उसके साथ इंगेज रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी होता है, जैसे खर्चों के मुताबिक लक्ष्य तय करना है, सही जगह निवेश की प्लानिंग बेहद जल्दी करने की जरूरत है, और जल्दी निवेश सेकंड फॉर्मूला है किसी भी फिट निवेश को हिट बनाने के लिए। नौकरी लगते ही पहली जो सैलरी है उससे आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान तैयार करने की जरूरत है। कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं जिसमें कुछ और फॉर्मूला में, एक तो अच्छा इंश्योरेंस कवर सत्यम, दूसरा एक डिसिप्लिन लाइफ में,
और पांचवा जो है लोन मैनेजमेंट। ये तीन जो फॉर्मूला है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को फिट करने के लिए कितने जरूरी हैं? तो इंश्योरेंस तो अगर आप देखेंगे तो हमें हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा जो उतार चढ़ाव कठिन दिनों में आता है और इंश्योरेंस जो है हमारे कठिन दिनों को ही जाकर के सपोर्ट करता है। आप किसी भी सेगमेंट को ले लें, या तो आप जैसे किसानों की बात करें या आम लोगों की बात करें, अगर आप कई सारे लोन कंपनी से भी बात करेंगे तो कई सारे जो डिस्क्रिशनरी लोन जो हैं, जो पर्सनल लोन टाइप की चीज़ें जो हैं, 1/4 जो उसका इस्तेमाल होता है मेडिकल इमरजेंसीज में। सो मेडिकल इमरजेंसी एक रियलिटी है, इससे संबंधित खर्चे जो हैं एक रियलिटी है जो कि हमको और हमारे परिवार से संबंधित हो सकता है। तो आप अगर अर्ली स्टेज में हैं तो ग्रुप इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस या फैमिली फ्लोटर्स या इवन क्रिटिकल इलनेस का कवर्स आपको सस्ते दामों पे मिल जाता है कम उम्र में। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है इंश्योरेंस कवर की कॉस्ट बहुत हाई होते जाती है, और जैसा हमने बोला कि आप ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप प्लान नहीं कर सकते हैं, ये अनफॉर्चुन सिचुएशन है, तो इसको आप सिर्फ हेज कर सकते हैं। और हेज करने के लिए हमारे लिए प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग होनी चाहिए इच फैमिली मेम्बर के लिए, फैमिली के लेवल पे, और इवन एल्डरली का भी हमको इसमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है बीमारियां हमेशा उम्र के दूसरे साइड में होती है, वंस यू क्रॉस 50s एंड मोर। तो हमको उसके हिसाब से इसको बहुत ही ज़रूरत है कि हम इंश्योरेंस प्लानिंग एक डेजिग्नेटेड वे में करें इसको लेकर के। और जैसे कि एक फिटनेस प्लान में जरूरत होती है डिसिप्लिन की, आप रोज एक्सरसाइज कीजिए या योगा कीजिए, किसी भी तरीके का जो हमारे शरीर को सूट करता है, हमारे लाइफस्टाइल को सूट करता है वैसा वर्कआउट कीजिए, वैसे ही फाइनेंशियल फिटनेस के लिए डिसिप्लिन सबसे गोल्डन रूल माना जाता है। सत्यम जी, जी मैंने जैसा बोला डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग को आप दूसरी तरह से इंगेजमेंट भी कर सकते हैं। सो ऐसा ना माने कि आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद छोड़ दिया, आप 10 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे। और कई सारी जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स भी जो होती हैं वो उसी को लिंक करके की जाती हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर जो है, जैसे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स जो देखेंगे इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है और वो लॉन्ग टर्म बाय डिज़ाइन है, जो कि आपको PPF या PF उस तरह के सिचुएशंस हैं जबकि आपकी रेगुलर आय कम हो जाएगी या रेगुलर आय ख़त्म हो जाएगी तब उसको कवर करते हैं। सो डिसिप्लिन्ड वे में करना, इंगेज्ड होकर के करना, इसमें इन्वॉल्व होना, ना कि कुछ लोगों से सुना एक बार कर दिया। तो शुरू से ही सारे एक्सपर्ट हमेशा आपको यही सलाह देंगे, आपके मित्र भी सलाह देंगे, SIP जो है इक्विटीज़ में अर्ली स्टेज में करना। SIP क्या है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन अ प्लान्ड वे, मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो आपको एक छोटी रकम, बट उसके साथ साथ ही राधा दन की मतलब एक बकेट में रहने के, हमेशा से हमको 3 से 4 बकेट्स में, और नए आयाम भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई तरह से उभर रही है और टेक्नोलॉजी कई नए प्रोडक्ट्स को जन्म दे रही है, उस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में भी कई नए आयाम आ रहे हैं जहाँ पे कि आप जाकर के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न आप अपने हेज कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी जो जरूरी बातें हैं दो है, एक डिसिप्लिन और दूसरा इंगेज रहना, मतलब हैंड्स ऑफ अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इट हैज़ टू बी हैंड्स ऑन अप्रोच, आपको उसके साथ इंगेज रहना पड़ेगा आपकी प्लानिंग के। सो विच इज़ मॉनिटरिंग, आप जैसे अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो आप देखते हैं, या थकान हो रही है तब डॉक्टर से मिलते हैं, उसी तरह से इसको भी हमको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग इंगेज होकर के रखना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ साथ, जो साथ में ही आता है एक्चुअली डिसिप्लिन। सत्यम आपने बहुत ही एब्सोल्युटली आपने बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल के साथ समझाया कि फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है और फाइनेंशियल फिटनेस, दोनों का आपस में मेल कितना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आने जा रही हूँ, वो है लोन मैनेजमेंट। लोगों में ये कंसेप्शन है एक्चुअली, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझाएं और उसको ब्रेक करने में मदद करें, कि कर्ज ले लिया अब तो उसमें डूब गए। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन लिया लेकिन आप उसको सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं। तो लोन मैनेजमेंट किसी की फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस के लिए कितना जरूरी होता है? बेसिकली क्या है कि हम किसी चीज़ से अगर इनेबल हो रहा है, कोई हमारा एक पर्टिकुलर लाइफ का स्टेज अगर मीट हो रहा है,
तो उसको हम कभी भी इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि कर्ज ले लिया या इसमें हम डूब गए या इस तरह से इसको हमको नहीं देखना चाहिए. देर आर एक्सपेंसेस जो कि अनवॉरंटेड हैं. अगर अनवॉरंटेड एक्सपेंसेस या उस तरह के लाइफस्टाइल को आपने फ्यूल करने के लिए लोन लिया है तो वो ज़रूर गलत है और वैसा हमको कभी भी उसको अवॉइड करना चाहिए अगर हम अवॉइडेबल सिचुएशन में हैं. लेकिन चीज़ें हैं जैसे कि आप समझिए कि एक लाइफ गोल होता है. पहले जब लोग कर्ज इतनी आसान शर्तों में उपलब्ध नहीं है तो लोगों को रिटायरमेंट के टाइम में या जब उनकी 45-50 साल उम्र हो जाती थी तब वो घर खरीद पाते थे. आज की तारीख में जब पिछले अगर 2005-2008 की बात करें तो घर खरीदने में लोगों की उम्र जो है कम होकर के 28 साल आ गई थी. तो आप सोचिए कि आपको कितनी बड़ी कम्फर्ट, मेंटल, फिजिकल फिटनेस, मतलब हर एक सिचुएशन. आप समझिए कि अगर आपने घर खरीद लिया है तो आप पास के जिमनाजियम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पार्क्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. आपकी एक लाइफस्टाइल जो है सुचारू रूप और डिसिप्लिन वे में हो सकती है रादर देन कि आपको घर शिफ्ट करना पड़ रहा है बिकॉज आप टेनेंटेड हाउस में हैं, आप रेंटेड हाउस में हैं. सो ये एक एक्विजिशन, असेट का एक्विजिशन हुआ जिसमें कि आपकी एक तरह से आप इसको लॉपसाइडेड देखिएगा तो एक इन्वेस्टमेंट भी है. सो आपको ये आपको चूज करना पड़ेगा कि ये जो लोन है ये एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज को मीट कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या हमारी फिजूल खर्ची को अलाइंड है. तो फिजूल खर्ची जो है अगर सेविंग्स से हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. बट अगर एक पर्टिकुलर चीज़ों को आप मीट कर रहे हैं जो आपके लाइफ गोल को अचीव कर रहा है, एक फैमिली को स्ट्रक्चर दे रहा है जहाँ पे कि सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है. और उसको हम बर्डन नहीं, उसको हमको एज ए इन्वॉल्व और वो हमको एक इनेबलर देखना चाहिए. सो गाड़ियाँ जो होती है या जो असेट क्रिएशन को लेकर के है वो मोस्टली उस तरह के होते हैं. कई बार आप अगर उसमें भी देखेंगे तो आप कई बार म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोग लोन लेते हैं. तो आप समझिए अगर आपने फिक्स टेन्योर का म्यूचुअल फंड लिया है 3 साल का और अगर आपको एकाएक पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो आप उसमें लोन लेंगे या फिक्स टेन्योर म्यूचुअल फंड को आप तोड़ेंगे. इस तरह के डिसीजन जो हैं इसमें आपको हमेशा देखना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए रादर देन कि एक क्लासिफाई कर दें कि ये खराब है और ये अच्छा है. सत्यम, हम फाइनेंशियल फिटनेस के लिए लोन मैनेजमेंट की अहमियत को अब आपसे समझना चाहते हैं. अब क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ चुका है और उसमें लोग नए निवेश की शुरुआत करते हैं, कई लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया घर, नई गाड़ी या फिर इनफैक्ट ट्रैवल के लिए भी लोन लेना चाहते हैं कि चलिए एक अच्छा सा वर्ल्ड टूर हो जाए, क्यों ना उसके लिए एक लोन लिया जाए. अब इसमें लोन मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पर आती है? इसका दोनों पक्ष है. जैसे कि हम बात करेंगे कि फिजिकल फिटनेस में लोग हमेशा बोलते हैं कि केयरफुल रहिए, त्योहारों में बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे टेम्पटेशन होंगे नई डिशेस ट्राई करने की, स्वीट्स के और अलग अलग जगह पे लोग ऑफर्स होंगे, आपको ये टेम्पटेशन को रोकना है. तो एट अ प्रिवेंटिव लेवल तो ये है कि हमको ये देखना है कि हमने इसके लिए प्लानिंग की थी क्या, हमने इसके लिए सेविंग्स की थी क्या. जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस हैं, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंसेस जो कि आप हॉलीडेज़ वगैरह जो है ये सब एक तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं और वो उस पीरियड के बाद वो ख़त्म हो रहा है, ये असेट क्रिएशन एक्सपेंसेस नहीं है, ये कंजम्पशन एक्सपेंसेस हैं. तो कंजम्पशन एक्सपेंसेस को लेकर के हमको तैयारी करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए इसके प्रॉस एंड कॉन्स. और दूसरा जो पार्ट है, जैसे कि दिवाली में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम घर खरीदते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, तो उसको अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ लिंक कर दें तो वो एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है. और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमको घर खरीदने के लिए अच्छी ट्रांजैक्शन मिल रही है, अच्छे रेट मिल रही हैं और हमको उससे इनकम टैक्स बेनिफिट होने वाले हैं तो उसको हम एक दूसरे कैटेगरी में देखते हैं. सो बट किसी भी कैटेगरी में देखें, चाहे वो कंजम्पशन पैटर्न हो या नॉन कंजम्पशन पैटर्न हो, एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपने इसके लिए प्लान की है क्या. आज की तारीख में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10-11 महीने हो गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जबकि एक लिक्विडिटी की स्क्वीज सी आ गई है. सो अब शायद वैसा पिछले साल की तरह शायद वैसा माहौल नहीं रहेगा कि सब कुछ आपको ऑन टैप इमिडिएटली मिल जाएगा कि आपने बस 2-4 क्लिक किए और आपके पास वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए लोन मिल जाए. इंस्टीट्यूशंस थोड़ी केयरफुल हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस की अपनी बैलेंस शीट्स थोड़ी सी स्ट्रेंस में चल रही हैं तो इसमें टाइम लगेगा. इसलिए लास्ट मोमेंट के लिए इस बार कुछ भी ना छोड़ें. इस बार अगर आपको ट्रैवल करना है या आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको
और भी आपको लग रहा है कि हाँ फैमिली में काफ़ी सारे इस बार मेहमान आने वाले हैं या कुछ इस तरह का है, तो उसके लिए थोड़ा पहले इस बार प्लान कीजिए। और अब से आप देखेंगे तो लगातार फेस्टिवल्स का सिलसिला है, गणपति फेस्टिवल्स, उसके बाद पूजा फेस्टिवल्स, दिवाली फेस्टिवल्स, और उसके बाद छोटे छोटे फेस्टिवल्स लगते रहेंगे। और इस चीज़ में एक और चीज़, एक इससे लिंक्ड एक और चीज़ है जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये ना सोचें कि आपको जब ज़रूरत होगी तब वापस एक ले लेंगे, एक लोन ले लेंगे या वापस कहीं से बोरो कर लेंगे। तो इसको ट्रांचेज में ना करें, क्योंकि ट्रांचेज में जब भी आप करते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट बहुत हाई होती है। छोटे लोन्स में लोग दोनों इंस्टीट्यूशन एज वेल एज कस्टमर का रिलेशन यही होता है कि ठीक है ये 20,000 का लोन है, 50,000 का लोन है, ये 2 या 3 या 5 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म कर जाएंगे। बट 50,000 का लोन 5 इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपये हो जाती है उसकी इंस्टॉलमेंट, जो कि अगले 6 महीने के लिए आपकी फाइनेंशियल हालत को स्ट्रेन में डाल देगी, जो कि आपके मानसिक रूप से भी आपको अननेसरी स्ट्रेस होगा उसकी वजह से। तो छोटे छोटे लोन्स को अवॉइड करें और एक ऐसा प्रोडक्ट्स इस तरह से चूज करें जिससे कि आपको पूरे फेस्टिवल सीजन में जो है वापस इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाना पड़े या वापस अपने फ्रेंड्स या फैमिली में वापस बोरो नहीं करना पड़े, जो कि लास्ट मोमेंट बोरोइंग कॉस्टली हो सकती है। सबसे बड़ा तो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई आ जाएगा लास्ट मोमेंट बोरोइंग में, और दूसरी इंटरेस्ट कॉस्ट से भी ज़्यादा जो हमको हमेशा प्रॉब्लम में डालती है वो इंस्टॉलमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो सैलरीड लोगों के लिए ये बहुत तकलीफ का सिचुएशन हो जाता है। सत्यम ये बात बताइए, क्योंकि फेस्टिव सीजन की भी हम बात करें और आप कह रहे हैं कि लास्ट मिनट जो लोन रिक्वायरमेंट्स हैं या हमें जो भी जरूरत होती है उससे बचना चाहिए, इसलिए हम पहले से ही प्लानिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, खासतौर पर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब मैं ज़रा फाइनेंशियल हेल्थ का लोन कनेक्शन आपसे समझना चाहूँगी। फेस्टिव सीजन के कई ऐसे तरीके के इवेंट्स हैं जिसमें हमें कई तरीके के लोन भी मिलते हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें आपकी स्टडी के मुताबिक लोग ज़्यादा लोन लेना पसंद करते हैं और कैसे कैसे ऑफर्स लोगों को दिए जाते हैं खासतौर पर फेस्टिव टाइम पे? जी, तो सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन तो होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेने का, क्योंकि ये पूरा माहौल बना होता है नई नई और इम्प्रूव चीज़ों को ख़रीदने के। हम काफ़ी अलाइंड हो चुके हैं नए गैजेट्स और नए कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ख़रीदने के, तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ होगा। और वो एक्चुअली सबसे बड़ा एक तो वो इट्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन आइटम होता है, 2 साल 3 साल में आप वापस उसको रिप्लेस करते हैं, तो और उसकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन आइटम होती है लेकिन वैल्यूज़ अब बढ़ रही हैं, 50,000 से लेकर के 70-80,000 रुपये के रेफ्रिजरेटर्स और ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट हमेशा बहुत हाई होती है। टेम्पटेशन होगा जीरो कॉस्ट लोन का, टेम्पटेशन होगा प्रोडक्ट डिस्काउंट्स का, हर एक चीज़ों को अगर अपने पास कैश की कैपेसिटी है ख़रीदने की तो कोशिश करें कि इंस्टॉलमेंट में उसको ना कन्वर्ट किया जाए, कैश में किया जाए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ कैश डिस्काउंट की बात कीजिए, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं खर्च तो हो रहा है। तो अगर वो खर्च इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर कर रहा है, अगर वो आप अपने लेवल पे बात करेंगे, आप उसके कैश डिस्काउंट मांगेंगे, तो शायद आपको एट द टाइम ऑफ बाइंग कॉस्ट ऑफ ओनिंग द प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट को ओन करने का कॉस्ट आपके लिए कम हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी उसको इंस्टॉलमेंट, हालांकि वो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बिल्टअप है जो कि आपके कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में ट्रांसफर होगी। और ऐसा कभी भी ना देखें कि 5,000 का इंस्टॉलमेंट है या 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, ऐसे 2 या 3 इंस्टॉलमेंट मिल करके आपकी 50,000 की सैलरी को एक्चुअली डिरेल कर देंगे। सो इसलिए इसको हमेशा इस तरह से देखें कि हायर इंस्टॉलमेंट के सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह में अगर करनी पड़े तो उसके लिए आपके पास रूम रहेगा क्या। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ रूम ऑफ 30% डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जब भी आप किसी भी तरह का इंस्टॉलमेंट या किसी तरह के लोन से रिलेटेड चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लें। सत्यम, आप तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल फिटनेस रेजिम बता रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को, क्योंकि जैसा आपने बोला कि कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होती है, मन भटक जाता है कि चलिए जिमिंग तो की, एक चीट डे ज़रूर हो जाए, थोड़ी सी मिठाई खा लें, थोड़ा सा पिज्ज़ा खा लें, थोड़ा सा बर्गर खा लें। वैसे ही जब फेस्टिव सीजन शुरू होगा, चलिए एक आध फोन तो ले ही लेते हैं, चलिए एक आध वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, यहाँ एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी के लिए क्या लोन ले लें, या घर की लेने की शुरुआत, शुभ शुरुआत करते हैं। ये जो टेम्पटेशन आप कह रहे हैं, इस टेम्पटेशन के लिए अगर किसी को अपने आप को तैयार रखना है तो उसके लिए मैं आप समझना चाहूँगी कि
क्या तैयारी लोन लेते वक्त लोगों को करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कुछ बातें आपने कही हैं ऑलरेडी, पर फिर भी मैं आपसे समझना चाहती हूं कि किन बातों को एक निवेशक ध्यान में रखे लोन लेने से पहले। हाँ, तो मैं दोहरा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, दोहराने के कॉस्ट पे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट चूज़ कीजिए कि वो, ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो। बेसिक थंब रूल जो कि घर के हर एक मेंबर को सिखा दीजिए कि कभी भी आपकी जो टोटल कमिटमेंट है, जो कि रेंट में या अलग अलग खर्चे में, स्कूल खर्चे और इंस्टॉलमेंट के खर्चों के टोटल कमिटमेंट 70-75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी के पैसे आपके पास महीने में बचने चाहिए फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। और ये भी मान करके चलिए कि अभी आपकी आप फेस्टिवल सीजन में हैं, इसके बाद आप तुरंत बाद फरवरी और मार्च में आ जाएंगे जिस समय कि आपकी शार्प इनकम टैक्स डिडक्शंस होंगी, ठीक है। सो आप मानिए कि ये 6 महीना बहुत ही आसान नहीं रहेगा अगर आप 6 महीने या 7 महीने या शॉर्टर ड्यूरेशन लोन की बात कर रहे हैं। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको अप्रैल में बोनस आएगा तो आप लोन प्रीपे करेंगे, इंस्टीट्यूशन आपको अलाउ करेगी क्या, तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये करने से आपकी इंटरेस्ट आउटगो कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लोन कम हो जाएगी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज इंस्टीट्यूशन ने दिया है क्या। तीसरी चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि हमने अगर इंस्टीट्यूशन के साथ एक बार रिलेशन बनाया तो इंस्टीट्यूशन मुझे शेड्यूल करने के लिए दे रही है क्या, कि क्या मैं ये लोन जो है, ठीक है, मैंने एक लिमिट ले ली है कि मैं, मुझे 1,00,000 रुपये शायद लग सकता है, बट मुझे पता है कि शायद मैं 50,000 रुपये में काम कर लूँ, तो इंस्टीट्यूशन इस तरह की फैसिलिटी दे रही है क्या कि मैं 50,000 रुपये अभी मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके हिसाब से मेरी इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो 25,000 और मैं उसी के अंदर में ड्रॉ कर लूँ, उसके लिए मुझे वापस से पूरा का पूरा पेपर वर्क या उसकी अलग से इंस्टॉलमेंट या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स मुझे लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ी। तो ये जो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है ये एक तरह से एक दोस्त की तरह काम करता है कि अरे चलो दोस्त, तुम अभी मुझे चाहिए, तुम दे दो, मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तो इस तरह की रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, अगर ये इन तरह की चीज़ें अगर आपको मिल जाती है तो ये पूरा का पूरा 6-7 महीने का जो टाइम है बहुत ही स्मूथली चल जाएगा, और जब भी आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे आप इंस्टीट्यूशन को दे दीजिएगा और इंस्टीट्यूशन उस पीरियड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती है। सो लॉन्ग टर्म सोचिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के लिए अपने पास रूम रखिए और एडवांस में एप्लीकेशन कीजिए। मान के चलिए कि शायद अभी के माहौल में, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूशन आप जो चूज करेंगे, वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं डिसाइड करने में, और एम्पावरमेंट अपने पास रखिए, ना तो इंस्टीट्यूशन के पास कि बस लास्ट मिनट में मैंने अप्लाई किया है तो इंस्टीट्यूशन बोल रही है दे देगी, अगर समझिए लास्ट मोमेंट में नहीं आया तो कैसे होगा, ठीक है। बिल्कुल, इसलिए एम्पावरमेंट अपने पास रखिए। तो बिल्कुल जरूरी बातें आपने कही है यहाँ पर, एब्सोल्युटली, मतलब लोन को जरूरत का साथ ही बनाए और अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को बनाए रखें। और उसके क्या टिप्स हो सकते हैं, किन किन मैनेजमेंट से आप फाइनेंशियली फिट रह सकते हैं अपनी हेल्थ को साथ में लेते हुए, क्योंकि अगर हेल्थ होगी तभी होगी आपकी वेल्थ। और इसी पर आज चर्चा के लिए सत्यम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी गुरु में हमारे साथ आज के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए।